मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासियों को गैर वैधानिक और अनैतिक बताने पर विधायक कांतिलाल भूरिया ने रोष जताया है। प्रेस वार्ता में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एमपीपीएससी में पूछे गए प्रश्न में भीलों की आपराधिक प्रवृत्ति पर मामला गरमाया हुआ है। गैर वैधानिक और अनैतिक बताते हुए पूरे समाज का अपमान किया है, इसको लेकर विधायक कांतिलाल भूरिया ने रोष जताते हुए प्रश्न पत्र बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक भूरिया ने कहा, पिछले कई वर्षों से जनजाति समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है, जिम्मेदार अधिकारी पर एससी एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। झाबुआ से प्रेम सत्योगी की रिपोर्ट। स्वागत करता हूँ और नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ आपको, क्योंकि सवाल इस बात का है कि मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ और साथ में झाबुआ विधानसभा का विधायक हूँ, तो मेरी नैतिक जवाबदारी होती है कि अगर समाज के खिलाफ वे समाज के साथ षड्यंत्र करने के उंगली उठाता है, उस बात को हम लोग निश्चित ही ताकत के साथ ये बात मैं रखने जा रहा हूँ, क्योंकि जो है और उसको एमपीपीएससी का चेयरमैन बना रखा है, तो इस बात को आप देखें कि किस तरह से उन्होंने आदिवासियों को अपमानित किया है और उसमें 96 में भील जनजाति मुख्य विषय क्या है और उसमें फिर भीलों की आर्थिक विपन्नता का प्रमुख कारण क्या है और भील लोग किस कुचक्र में कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं, फिर 99 में भीलों की आपराधिक प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है और 100 में धन उपार्जन के लिए भील कैसे कामों में संलिप्त होता है, धन मतलब अपना पैसा लूट के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना।